हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा 20 दिसंबर 2020 को आयोजित की जानी है। तो इस वाले वीडियो में जीके जीएस का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जो आपका 20 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम होना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस टेस्ट को पूरा जरूर दें। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाले सभी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। 6392409447 इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो फीस आप हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम नंबर मेरा है 6392409447। फीस जमा करने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए, डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाओं के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी करिए, 100 रुपये ज़्यादा फीस नहीं है। 100 रुपये आप हमें पे करके व्हाट्सएप ग्रुप। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 149 मिलियन किलोमीटर। कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक देशांतर कितना है? तो ऑप्शन ए 82.5 डिग्री भारत का प्रामाणिक देशांतर है। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? तो ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति जो है ऑप्शन सी कालडेरा है। अगला है, कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलोरेडो। कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सैल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी बॉल्ब के रूप में देखा? ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय एवं सीपी दत्त। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन सी, गुड़गांव में। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ऑप्शन बी, सोन, पुनपुन और कीउल। झारखंड में वॉक्साइट किन जिलों में मिलता है? ऑप्शन ए, रांची पलामू में वॉक्साइट मिलता है। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन डी, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात। अगला है, सरकारी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध के लिए। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे थीं तो कौन कौन सी मांगे थीं? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब पहला है, अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करना, और भी है शस्त्र अधिनियम की समाप्ति, और तीसरा है ICS परीक्षा का इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजन। अगला है, फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन सी, माने कसा। नेक्स्ट, आरडी बनर्जी द्वारा मोहन जोदड़ो की खोज कब हुई थी? ऑप्शन सी, वर्ष 1922 में। नेक्स्ट सुमेलित करना है, जिसमें योजना है और वर्ष है, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला देखिए मनरेगा है, मनरेगा का हो जाएगा दूसरे से 2005। फिर है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका हो जाएगा पहले वाले से 2014। फिर है अटल पेंशन योजना, इसका हो जाएगा चौथे वाले से 2015। फिर है ग्राम उदय से भारत उदय, इसका हो जाएगा तीसरे से 2016। जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन बी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन
कब हुआ था? तो ये गठन हुआ था ऑप्शन बी वर्ष 1942 में। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन ए मई 1953 को। अगला है मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? तो ये थे ऑप्शन सी यूएसए के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड्रूस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन बी जेम्स फोर्ड। अगला है अकबर नामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अबुल फजल के द्वारा अकबर नामा की रचना की गई थी। अगला आपका क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? ऑप्शन सी चंपारण। अगला है पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में अवस्थित हैं? ऑप्शन बी राजस्थान। किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? तो ऑप्शन सी आनंद मठ। नेक्स्ट है वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में। ऐसा आपका अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन सी अवधी भाषा में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला है नीति आयोग के संबंध में क्या सही है कोट के माध्यम से बताना है? ऑप्शन ए केवल एक, इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। अगला है खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है क्योंकि? ऑप्शन ए इसका न्यूनतम बिखराव होता है। ओके नेक्स्ट है कबूतर किसका प्रतीक है? तो कबूतर जो होता है ऑप्शन सी शांति का प्रतीक होता है। अगला है बंग भंग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है कोट के माध्यम से बताना है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चारों कथन सही हैं, जिसमें पहला कथन है 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन विभाजन लागू हुआ था वह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और दूसरा है आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज तथा बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, और तीसरा है कड़े विरोध के कारण वर्ष 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा, और चौथा भी सही है यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार जो कि 1911 में लिया गया जो वर्ष 1912 में लागू हो गया। अगला निम्नलिखित में किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्रों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में उलझ पड़े? ऑप्शन बी वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है पश्चिम घाट के संरक्षण से संबंधित है, तो ऑप्शन सी ए और बी। ए है माधव गाडगिल पैनल और बी है कस्तूरी रंगन पैनल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गाइस बनता है किसी तत्व की भार संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन सी 7 और 11। अगला है सूर्य सेल परिवर्तित करती है, तो क्या कर परिवर्तित करती है? ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पारसेक किसकी इकाई होती है? तो पारसेक जो इकाई होती है ऑप्शन डी दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा सोने या चांदी में परिवर्तनशील होती है? ऑप्शन ए उसे न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी? तो 2.8.3, तो उसकी संयोजकता होगी ऑप्शन सी 3। जो लास्ट में बचा वही आपकी संयोजकता वैलेंसी हो जाएगी। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग
सूखी सेल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl। भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन डी वर्ष 1992 में। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? ऑप्शन बी 2। ऑक्सीकरण जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन क्या होगा? ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन देता है। अगला है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए NaOH। चूहों को मारने की दवा कौन सी है? ऑप्शन सी जिंक फास्फेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन डी जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक रखना। अगला है उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? ऑप्शन बी 760 मिलीमीटर पारे से कम। काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? ऑप्शन डी भारी न्यूट्रॉन तारा। नेक्स्ट है किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है कोट के माध्यम से। सूची एक में पत्र पत्रिकाएं हैं, सूची टू में संपादक हैं, और मिलान करना है कोट के माध्यम से। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा जूम करते हैं, पहला देखिए युगांतर, युगांतर का हो जाएगा दूसरे से बारिंद्र कुमार घोष। फिर है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसका हो जाएगा पहले से श्याम जी कृष्ण वर्मा। फिर है बंदी जीवन, इसका हो जाएगा सचेंद्र नाथ सान्याल। फिर है तलवार, तलवार का कैसे हो जाएगा चौथे से वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। अगला है निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है? ऑप्शन ए चावल। निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल और केरल। अगला है अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? ऑप्शन डी मराठा। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी गोंडवाना। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किस में होता था? तो ये होता था ऑप्शन सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो मेन जो रीजन होता है ऑप्शन डी कम डेंसिटी के कारण। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन सी अजंता। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ऑप्शन ए पुर्तगाली। नेक्स्ट है मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? ऑप्शन डी मराठों। अगला सुमेलित करना है, सूची एक में षड्यंत्र हैं, सूची टू में संबंधित क्रांतिकारी, और कोट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पहला देखिए नासिक षड्यंत्र केस, इसका हो जाएगा दूसरे से विनायक सावरकर। फिर है अलीपुर षड्यंत्र केस, इसका हो जाएगा पहले से अरविंदो घोष। फिर है ढाका षड्यंत्र केस, इसका हो जाएगा चौथे से पुलिन दास। फिर है बनारस षड्यंत्र केस, इसका हो जाएगा सचेंद्र नाथ सान्याल। अगला हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी म्यांमार में। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा काम करता है? ऑप्शन डी उत्तर लैंड्स। नेक्स्ट आपका है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है? ऑप्शन सी पर्यवेक्षीय प्राधिकरण। अगला है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन बी ठक्कर बप्पा।
अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन डी जैन धर्म। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन गदर आंदोलन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन डी तारकेश्वर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साबरमती। भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो ऑप्शन डी अरब वासियों ने। उल्का क्या है? तो उल्का जो होती है, ऑप्शन डी बाह्य अंतरिक्ष में से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। निम्नलिखित में वह कौन सी ब्राह्मण वादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ऑप्शन ए लोपामुद्रा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। अगला आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो ऑप्शन ए एमनियन। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? ऑप्शन बी आवृत्ति माडुलन। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? ऑप्शन सी संबंधित एशिया। अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन डी प्रियदर्शी। राज्यसभा में किन संघ राज्य क्षेत्रों को स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए दिल्ली व पुदुचेरी। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? ऑप्शन डी 310। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऑप्शन ए आर्यभट्ट। नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन डी पूर्ण आभ्यंतर परावर्तन। अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? ऑप्शन डी NPK। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए? ऑप्शन ए लोकसभा के द्वारा। अगला आपका क्वेश्चन है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन सी KV फ्रिस्क को। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए पॉलीएमाइड। फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? ऑप्शन ए नेहरू रिपोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब पहला है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा है संबंधित राज्य के राज्यपाल। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कितनी भुजाओं वाली हैं? तो ऑप्शन सी चतुर्भुज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीनों कथन सही हैं, जिसमें पहला कहता है तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया था। बी है एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपना होम रूल लीग प्रारंभ किया। और सी है होम रूल आंदोलन के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल थे। वर्ष 1946 में निर्मित
अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है येलो केक क्या है? ऑप्शन डी यूरेनियम ऑक्साइड। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन डी चुनाव। कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? ऑप्शन ए कावेरी। निम्न में से कौन अहरार आंदोलन से जुड़े थे? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए चारों जुड़े थे, मौलाना मोहम्मद अली, हसन हमाम, मजहर उल हक, हकीम अजमल खान, चारों जुड़े थे। और आज का लास्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाए तो वह क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।